अलमेक मैं हूँ रुकैया आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन आज मैंने एक तो ऑर्डर मंगवाया था अपना कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी तो ये ऑर्डर भी आ गया था साथ में मैं डोनट्स बना रही थी और आज आप लोगों के साथ एक केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि हम पानी से बनाएंगे और पानी से उस केक का वेट इतना को कोई अच्छा होता है मोइ्ट भी रहेगा आप उसे दो दिन तक तीन दिन तक भी रखेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा उसका वेट ऑयली क्वान्टिट्टी कम है अच्छा मैंने ये कुछ बॉल्स मंगवाई थी और इनकी क्वालिटी इतनी को कोई अच्छी आई है ना तो मैंने कहा चले वीडियो तो बना रही थी आज मेरे पास डोनट्स के भी ऑर्डर थे चॉकलेट केक भी बनाना था तो मैंने कहा साथ में बीच में ऑर्डर आ गया मैंने कहा चले लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ इसकी क्वालिटी इतनी को कोई आला और इतनी को कोई कमाल है ना बहुत ज़बरदस्त है आप इसकी शाइन और ग्लॉस चेक करें ऑल ओवर पाकिस्तान इनकी डिलीवरी है मैं इनसे चीज़ें मंगवाती रहती हूँ अक्सर और लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने कहा जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हमें ये शाइनी ग्लॉसी नहीं मिल रही होती और दराज़ पे ना बहुत थोड़ी एक्सपेंसिव है इससे मैंने दराज से भी बाई की थी इंस्टा का एक पेज है वहां से भी बाई की थी और इसकी तो जो गोल्डन डस्ट है ना वो आउट क्लास और कमाल की है तो यहाँ पर जो है ना मैं डोनट्स भी बना रही हूँ साथ में मैं जो है ना आप लोगों के साथ आज चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको हम पानी के साथ बनाने वाले हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह जो बड़ी बड़ी बेकरीज है ना उसके अंदर जो चॉकलेट केक बनता है जो पानी के साथ बनता है फज की तरफ चला जाता है वो इसी से बनता है बहुत कमाल का तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रेसिपी को अच्छा अब मुझे कस्टमर और क्लाइंट जो होता है ना वो अक्सर आपको कहता है कि हमें जो है ना केक की जो लेयर है ना वो हमें ज़्यादा ज़्यादा नहीं चाहिए हमें क्रीम जो है ना आइसक्रीम की तरह ज़्यादा क्वान्टिटी में चाहिए तो आज वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बिसमिल रही अच्छा यहाँ पर ना मुझे अंडों को फॉर्म करना है जिसमें मैंने ना एग वाइट ले लिए हैं और एग जॉक को मैंने अलग रख लिया है ठीक है और इसको जो है ना मैंने ऐड कर लिया इसके साथ मैंने यहाँ पर शुगर ऐड कर दी है जो आपको रेसिपी वो लिखी आ रही है अच्छा दो चुटकी नमक दो पिन सॉल्ट इसलिए ऐड करना है क्योंकि इससे जो है ना अंडे की जो हम लोग सफ़ेदी होती है ना उसको जब फेंट रहे होते हैं वो बहुत स्टेबल और बहुत जल्दी बन जाती है ठीक है तो हम लोग इसको पहले स्लो से स्पीड से शुरू करेंगे पहले का जो डेढ़ मिनट है या पहले का जो एक मिनट है उसको आपने स्लो स्पीड पर लेके चलना है उसके बाद जो अगला आ, दो मिनट होंगे उसे मीडियम पे रखना है उसके बाद आपने इसकी स्पीड को हाई करना है तो ये कमाल की जो आपकी जो है ना एगवाइट जब भी किसी भी रेसिपी के लिए आप बनाओगे तो वो परफेक्ट बनेंगे दो बिन सॉल्ट ज़रूर से ऐड कीजिएगा कभी तो एक पाउडर भी मैं ऐड करती हूँ मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि अक्सर लोगों के पास अवेलेबल नहीं होगा तो ये नमक से भी काम बहुत अच्छा चल जाता है तो यहाँ पर जिस तरीके से आपको एग वाइट बीट करने का बताया ना आप लोगों ने उसी तरह बीट करना है अच्छा ज़रूरी नहीं है इसमें सॉल्ट भी ऐड किया जाए लेकिन अगर ऐड कर लिया जाए तो ये मैजिकली काम करता है आप लोग ज़रूर इस टिप को आज़मा लीजिएगा ठीक है अच्छा इस रेसिपी में मैं तीन अंडे यूज़ करती हूँ लार्ज साइज़ के जो कि सिक्सटी फाइव से ग्राम का होता है लेकिन यहाँ पर जो मैंने अंडे यूज़ किए हैं वो तकरीबन पचास पचास पचपन पचास पचपन ग्राम का था एक तो फोर्टी फाइव का था एक पचास और एक पचपन का था तो अंडों के साइज़ छोटे थे तो मैंने चार अंडे यूज किए हैं ठीक है अंडों का साइज बढ़ाओ तो आप लोग बिल्कुल से तीन अंडे यूज कर सकते हैं इस रेसिपी में दो पाउंड की रेसिपी में ठीक हो गया अच्छा यहाँ पर जब बीट करते जाएंगे अगर तो आपका बाउल बहुत ज़्यादा बड़ा है ना तो आप लोगों ने इसको टर्न करना है थोड़ा सारा इसको कर्व सा कर देना और उसके बाद आपने इसको बीट करना है आप देख रहे हो कितनी स्टिफ़ पीक आई है इसकी बिल्कुल ज़बरदस्ती आई है अब हम ड्राई इनग्रीडियंट्स की तरफ चलते हैं यहाँ पर हमने ले लिया है मैदा कोको पाउडर ठीक है और उसके बाद हम लोगों ने जो इसके अंदर ना इसको अच्छे तरीके से छान लेना नमक हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करना चाहो एक चुटकी मजीद ऐड कर सकते हो ठीक है ये दोनों चीज़ें हमने ऐड कर लेनी है इसे मिक्स कर लेना है और हमें रख लेना है साइड पर छानना बहुत ज्यादा ज़रूरी होता है अच्छा ये अंडे की जर्दी आप देखें एक तो बिल्कुल छोटी सी गोल मोटोल सी है ठीक है तो यहाँ पर जो है इसको मैंने पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है एग वाइट आप लोगों के सामने पड़ा है वो मैंने इसलिए नहीं यहाँ से हटाया ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये स्टेबल ही पड़ा हुआ है ठीक है एक बार स्टेबल हो जाए जल्दी ख़राब नहीं होता लेकिन इसको बीट करने का एक प्रोसेस होता है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया ठीक है अंडे की जर्दी ऐड की है और इसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी बहुत कम जाती है हम इसके अब पानी से ही बनाएंगे ठीक है अब मैंने अंडे की जर्दी भी ऐड कर दी ड्राइंग गेट्स में मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया और बेकिंग पाउडर अभी तक ऐड नहीं किया यहाँ पर मैंने हाफ कप पानी ले लिया है लिखा हुआ ग्राम्स में भी आ रहा है ठीक है आप लोग इस रेसिपी को बिल्कुल हाफ कर भी कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर जो है न मैं पानी ऐड करते जा रही हूँ हाफ कप पूरा जाएगा और इसको मैं मिक्स करते जा रही हूँ ठीक है अच्छा मिक्स करते हुए बस आपने ये ख्याल रखना है कि लम्स ना पड़े आराम से मिक्स कर लीजिएगा इसमें ओवर मिक्सिंग का कोई टेंशन नहीं होती है जो लोग कहते हैं ना ओवर मिक्सिंग हो जाती है हम ड्राई नीड्स को मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग करने लगे तो इसमें कुछ नहीं होता अच्छा अगर आप लोग चाहो तो इसके अंदर बिल्कुल से मिल्क ऐड कर सकते हो लेकिन इसको हमने लो कॉस्ट की तरफ लेके आना है तो हम लोग इसके अंदर मिल्क ऐड नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो है ना मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जब अच्छे से मिक्स हो जाए आपको मिक्सर हो जाए कि बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया कोई भी लम्स वगैरह इसके अंदर नहीं है फिर आप इसके अंदर डालोगे वनीला एसेंस हाफ टी स्पून तक ऐड कर दो और बहुत स्ट्रांग है तो फिर थोड़ा कम ऐड करोगे ठीक है अच्छे से मिक्स करोगे उसके बाद जो है ना इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया ठीक है बेकिंग पाउडर इसके अंदर टू टी जाएगा ठीक है टू टी स्पून बेकिंग पाउडर जाएगा आप क्या करना है अच्छा अगर आपको लगे लिक्विड थोड़ा सा आपको बहुत पतला लग रहा है ना तो वन टेबल स्पून मैदा ऐड कर लीजिएगा मैंने वन टेबल स्पून मैदा ऐड किया है वो स्किप हो गया इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं किया अब थोड़ा सा मैंने एग वाइट लिया एग वाइट लेकर इसको अच्छे तरीके से जो है ना इसमें हल्का हल्का करके कट एंड फोल्ड के मेथड से मिक्स करते गई हूँ अच्छा दो बार भी मैंने लिया ठीक है उसके बाद जब ये बैटर बिल्कुल हल्का हो गया लाइट हो गया ना एरी सा मुझे लगा हल्का हल्का वज़न में लगा उसके बाद मैंने उठा के इसको एग वाइट में डाला जैसे कोई वजनदार चीज़ अगर एग में डायरेक्ट डालोगे ना तो वो एग की झाग बनी हुई होगी ना लाइट वेट वो बहुत ज़्यादा बैठ जाएगी फ़ौरन तो इसका आपने ख्याल रखना है ठीक है थोड़ा थोड़ा करके दो बारी में ऐड कर लो एक बार में ऐड करो उसके बाद दोबारा ऐड कर लो अच्छा यहाँ पर जो है ना आप लोग इसको अच्छे तरीके से कट एंड फोल्ड के मेथड से जैसे हम लोग मिक्सिंग करते हैं ना वैसे मिक्स कर लोगे कट एंड फोल्ड ठीक है अच्छा मुझे क्लियर्स चाहिए थी ठीक है और इसलिए मैंने इसको एट इंच के मोल में बनाओगे परफेक्ट बनेगी ठीक है अगर आप लोग उसकी हाइट ज़्यादा करना चाहोगे तो सेवन इंच के मोल में बनाओगे ठीक हो गया अच्छा यहाँ पर मैंने इक्वली डाल दिया अच्छा यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया कि मैंने बटर पेपर लगाने के बजाय ना इसमें घी ऑयल और मैदा डस्ट कर लिया जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की इसने अच्छा मैंने दस मिनट पहले मीडियम टू हाई फ्लेम पर हीट किया था पतीले को उसके अंदर रखा और तकरीबन इसको टाइम लगा था तक ट्वेंटी फाइव से थर्टी मिनट ठीक है अवन में वन एटी आप रखोगे और अगर एक ही साथ बेक करोगे ना तो फिर थर्टी से थर्टी फाइव मिनट लगेंगे एक साथ बेक होने में ये कम कम क्वांटिटी थी ना तो ट्वेंटी फाइव से थोड़ा सा ऊपर टाइम लगा था तो ये जल्दी बेक हो जाते हैं ठीक है अगर आप एक साथ देख करोगे थर्टी फाइव से थर्टी से थर्टी फाइव मिनट या फोर्टी मिनट पर भी जा सकता है ठीक है यहाँ पर मैंने अब जल्दी जल्दी जल अनमोल्ड किया उससे क्या हुआ कि नीचे का जितना भी लेयर थी ना मैदे की लेयर वो ज़्यादा डल गई थी ठीक है इसी वजह से वो साथ लग गया लेकिन चले खैर है हम उसको रिमूव कर देंगे माशाल्लाह माशाल्लाह इतना सॉफ्ट बनता है बहुत अच्छा बनता है अब यहाँ पर मैं इसको रेडी कर रही हूँ और इसका वेट वगैरह सब कुछ जो है ना बिल्कुल परफेक्ट आता है अच्छा मैंने इनको इसको मज़ीद जो है ना बारीक लेयर्स में कट कर लिया था ठीक है तो मेरे पास जो थी ना वो छः लेयर्स आ गई थी ठीक है और इसके बाद मैं इस तरह से क्रीम जो है ना वो लगाती जा रही थी अच्छा इनको बहुत ज़्यादा क्रीमी चॉकलेट क्रीमी चाहिए था ना तो मैंने चॉकलेट जो चिप्स थी वो ऐड की थी किसी भी केक को अगर आप लोग इन्हेंस करना चाहते हो तो वाइट चॉकलेट चिप और ब्लैक ये जो हमारी चॉकलेट चिप होती है दोनों को लाजमी अपने पास रखो थोड़ा थोड़ा ऐड करो ठीक है और सॉस वग़ैरह मिलते हैं गनाश मिल आप लोग बनाते हो फज बनाते हो नाश्त तो नहीं डालते फज बनाते हो आप लोग किसी भी किस्म के स्ट्रॉबेरी सॉस आप लोग किसी भी तरह के जो सॉस वगैरह आप लोग डाल सकते हो उससे और अच्छा टेक्सचर आ जाता है टेस्ट आ जाता है ठीक है अब यहाँ पे क्या किया मैंने इसको कुछ देर के लिए आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रखा था क्योंकि फ़ौरन ही जाना था और उसके बाद मैंने जो क्रीम थी वाइट कलर की उसके जो दूसरी क्रीम थी ना मैंने क्रीम बनाई उसके अंदर से वाइट क्रीम सेपरेट कर दी थी और उसके अंदर बाकी के अंदर मैंने जो फज बना के आप लोग बताया हुआ था लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वो मैंने ज़्यादा सारा ऐड करके इसको बिल्कुल चॉकलेटी कर दिया था तो केक को आप लोग जब भी रखें या तो ओवर नाइट रखो या तीन से चार घंटे ज़रूर अपने स्टे देना है आपने अपनी प्रॉपर फिलिंग करके उसके बाद इसके अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है ठीक है तो जैसे ही बना उसके बाद मैंने तकरीबन दो घंटे के लिए इसे फ्रीजर में ही रख दिया था कवर करके ताकि जल्दी से जो है ना वो ठंडा हो जाए ताकि डिलीवर कर सकूँ और उसके बाद इस तरह से डॉल रख दी थी ये भी डॉल बनाई थी और डेकोरेशन कर दी थी जो करने की थी और इसको मैंने डिलीवर कर दिया था आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी मिलती है न्यू रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज़